डेराबस्सी के मीट प्लांट च वापरिया दर्दनाक हादसा, गैस चढ़न नाल चार वर्कर की हुई मौत, चर्बी वाला टैंक कर रहे सन साफ। नेड़े पिंड बेड़ा दे विच स्थित फैडरल एग्रो इंडस्ट्रीज के नाँ उत्ते मीट प्लांट दे विच एनिमल वेस्ट दे नाल भरे टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस चढ़न दे नाल मीट प्लांट दे चार मजदूरों की मौत हो जाने का मामला सामने आया। हालांकि दो होर मजदूर भी टोए दे विच उतर गए सन पर उन्होंने बचा लिया गया। मरण वाले दे विच तीन हेल्पर अते एक प्लंबर शामिल है जो उन्होंने बचाने के लिए आया सी। जानकारी अनुसार यह हादसा बीती शाम को वापरिया। इस पासडोर दे विच ठेकेदार अते इलैक्ट्रीशियन ने भी मजदूरों की जान बचाने के लिए टैंक दे विच उतरना शुरू कर दिया पर उन्होंने लोगों ने सेफ्टी बेल्ट की वरतों करके बाहर खींच लिया। जब तक बाकी चार नु बाहर कढ़े गया उदों तक उन चारा की मौत हो चुकी सी। जब हादसा हुआ ये हम खड्डे साफ कर रहे थे। खड्डा कौन सा है? खड्डा वो चर्बी आती है उसमें। हाँ जी चर्बी आती है। चर्बी आती है। हाँ जी ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद? पहला ये एक आदमी गया। एक आदमी जो गया पहले गया उसका क्या नाम था? उसका नाम कुर्बान। कुर्बान कुर्बान कुर्बान। वो क्या करने गया था अंदर? वो खड्डे कचरा निकालने के लिए। कचरा निकाल। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो बेहोश हो गया तो फिर दूसरा आदमी उसको निकालने के लिए गया। दूसरे आदमी का क्या नाम है? उसका नाम है जनक। क्या नाम? जनक खापा। जनक खापा नेपाल से है। वो है नेपाल से। वो उसको क्या वो ही बेहोश हो गया अंदर जाके? हाँ जी वो भी जाके उसको बचाने गया था तो वो बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद तीसरा आदमी गया बचाने के लिए। तीसरे आदमी का क्या नाम था? तीसरा आदमी का नाम था श्रीधर। श्रीधर श्रीधर। ओके ये नेपाल का था। नेपाल का। हाँ जी। फिर क्या हुआ? तो चौथा आदमी गया है कंपनी का आदमी है वो। ओके जनक। नहीं नहीं सब कंपनी का जनक तो तीसरा में हो गया। ठीक है ये तीनों हो गए बेहोश। ठीक है तो चौथा आदमी गया कंपनी का। ठीक है कंपनी का आदमी गया उसका नाम पता नहीं जी मेरे को। अच्छा मानक बोलते हैं ऐसे। मानक मानक। हाँ जी ठीक है। हाँ जी तो फिर क्या हुआ? वो भी बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो फिर उसके बाद वहीं गया। आप ठेकेदार हो? हाँ जी। आप ठेकेदार हो फिर आप गए थे अंदर? हाँ जी उसके बाद मैं गया उनको बताने के लिए। मैं बेहोश हो गया। आप भी बेहोश हो गए? हाँ जी। तो मेरे को किसने निकाला मेरे को पता नहीं। मेरे को जल्दी निकाल लिया इन्होंने। जिथे पीड़िता के परिवार का रो रो के बुरा हाल है तो उत्थे इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों का की कुछ कहना वह भी थोड़ा सुना दें। इसमें आज ही पता लगा कि उसमें कुछ खामियां वो लोग बरतते हैं जो उसका प्लांट का जो वेस्ट प्लांट है ना फर्दर उसका जो जहाँ वेस्ट जाता है उसको साफ करने में वो कुछ खामियां रखते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी आ चुकी है उसके बावजूद वहाँ के लोगों को अंदर भेज के उसकी सफाई कराना उसी की वजह से कोई गैस जहरीली गैस बनी जिसकी वजह से कोई चार लोग आज वहाँ मतलब उनकी डेथ हो गई है। तो यही है जो कंसर्न लोग होंगे प्रॉपर इसकी इंक्वायरी करके जिन लोगों को इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चंडीगढ़ तो नील कमल की रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम टीवी।